नमस्कार, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि आपकी बिना परमिशन के आपके खाते से कोई आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई चुरा ले जाए और आपको जानकारी मिले तब तक आपके खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। सोचे आपको कैसा लगेगा। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला उदयपुर में, जहां एक नामी कंपनी बजाज फाइनेंस द्वारा बिना कस्टमर की जानकारी के हेल्थ पॉलिसी कर दी जाती है। 3 किश्तें कट जाने के बाद कस्टमर को पता चलता है कि उसके खाते से बजाज फाइनेंस पैसे निकाल रहा है। जब कस्टमर उदयपुर स्थित बजाज फाइनेंस ऑफिस पहुंचता है तो उसको मिलते हैं तो सिर्फ ऑफिस के चक्कर। देखिए पूरा मामला कस्टमर के जरिए उसकी खुद की जुबानी। मैंने बजाज फाइनेंस से एक किस्त पे फ़ोन किया था जिसकी किस्त 1800 की आ रही थी। कम से कम 6 महीने पहले की बात है। इसी बीच में बजाज फाइनेंस से मेरे पास फ़ोन आता है और कहते हैं कि आपको एक मेडिकल पॉलिसी करवानी है। समझने के लिए मुझे ऑफिस बुलाया जाता है। ऑफिस में जब जाता हूँ मैं पूरी पॉलिसी समझ लेता हूँ। इसके बाद मैडम कहते हैं कि आपकी पॉलिसी हो गई है, तो मैडम से पूछता हूँ कि मैडम मैंने जब हाँ या ना नहीं किया है तो फिर आपने मेरी पॉलिसी कैसे कर दी। तो मैडम ने कहा आपने मुझे OTP बताया। तो मैंने कहा मैडम मैंने आपको OTP बताया था, लेकिन आपने कहा था कि OTP बताने के बाद में यस या नो होने के बाद ही आपको पॉलिसी की जाएगी। लेकिन इन्होंने मेरी बिना परमिशन के बिना कागजात दिए पॉलिसी कर दी। इसी बीच 2 पॉलिसी जाने के बाद जब 3री पॉलिसी जा रही थी और चली गई तो मुझे पता चला कि इस चक्कर में मेरी जो मोबाइल की किस्त जा रही थी 1800 रुपये, वो मेरी पॉलिसी वाली किस्त जाने के 1744 के चक्कर में बाउंस हो गई। जब मुझे पता चला मैं ऑफिस गया, मैडम को कहा कि मैडम मेरी पॉलिसी कैंसिल करो, और आपने कहा था कि अप्रैल में ही कैंसिल कर दूंगी, लेकिन पॉलिसी कैंसिल नहीं हो पाई थी। इस चक्कर में मैडम ने कहा कि आप अपने लेवल पर प्रयास करें, या हमारा नीचे एक ऑफिस बना हुआ है बजाज सहेली मार्ग पे ही, वहाँ आप एक मेल कर दीजिए लिख करके तो आपकी पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी। इतना सब कुछ करने के बाद जब मेरी पॉलिसी कैंसिल नहीं हुई तो मैंने अधिवक्ता नरेंद्र जोशी से मिले और उनको अपनी पूरी ये बात बताई, तो उन्होंने बजाज फाइनेंस को नोटिस भिजवाया है। मेरी कम से कम 3 किस्त जा चुकी थी 1744 की। नोटिस भिजवाने के बाद बजाज फाइनेंस ने 8 दिन में मात्र 30 जून को नोटिस भिजवाए और 8 जुलाई को मेरे खाते में जो 3 किस्तें कटी वो वापस रिफंड हो गई। सबसे बड़ी बात इस मामले में मेरी यह रही कि इन्होंने मेरी बिना परमिशन के पॉलिसी कर दी, जबकि 3 महीने गुजर जाने के बाद ही मेरे पास ना तो पॉलिसी थे ना मुझे कुछ जानकारी थी। एक तरह से बजाज फाइनेंस ने मेरे साथ फ्रॉड किया था। पूरा मामला था बताइए। एक्चुअली ये था कि एक परिवादी जिन्होंने अपना नाम जाहिर न करने की बात कह रखी है, वो मेरे पास आए थे कि सर मैंने एक्चुअली बजाज फाइनेंस से एक मोबाइल परचेस किया था और उसकी मैं EMI पे कर रहा था, और कुछ समय पूर्व मुझे एक उनकी टेलीकॉलर का कॉल आता है और टेलीकॉलर का तो कहा जाता है कि आप हमारी कोई हेल्थ पॉलिसी है क्या, आप लेने में इंटरेस्टेड है। मेरे द्वारा हाँ या ना का जवाब नहीं देके यही कहा गया कि मैं मेरे परिवार की परमिशन लेकर उनसे बातचीत करके आपको जवाब दूंगा। मेरे द्वारा इतना ही कहा गया, उसके बावजूद उन्होंने बिना मेरी मौखिक या लिखित कोई स्वीकृति लिए मेरी पॉलिसी जनरेट कर दी और मेरे खाते से किस्तें कटना शुरू हो गया। मैं आपको बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर बजाज फाइनेंस के करोड़ों क्लाइंट हैं और करोड़ों लोग बजाज फाइनेंस से अपने मोबाइल कंज्यूमर जो ड्यूरेबल लोन्स होते हैं, व्हीकल लोन होते हैं, इसके अलावा होम लोन्स वगैरह, इस रूप में उनके उपभोक्ता होते हैं। और इस रूप में हर व्यक्ति के दस्तावेज जो कि मूल रूप से लोन लेने के काम आते हैं वो, और आजकल एक नया तरीका हो गया जिसमें ECS NACH से किस्तें कटती है, तो NACH ECS के मैंडेट फॉर्म जो होते हैं उनके सिग्नेचर करवा के ले लिए जाते हैं। इस तरह फ़ोन करके ये लोगों से उनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उन दस्तावेजों का दुरुपयोग करके ये
स्वीकृति वगैरह ली नहीं और किस्तें चालू कर दी और व्यक्ति के खाते से स्वतः किस्तें कटना शुरू हो जाता है। किस्तें इतनी कम राशि की होती है, 800, 900, 1000, 1500, 2000, मैक्सिमम 3000। एक सामान्य व्यक्ति वो समय चला गया कि डायरियों की एंट्री कराता है और लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता उनके खाते से पैसा कटना शुरू हो जाता है। मेरे परिवादी को जब 3-4 किस्तें कटने के बाद इस चीज़ का एहसास हुआ कि मेरे साथ कोई ठगी हुई है, वो इस संदर्भ में आए, मैंने उनसे कहा कि आप पॉलिसी दीजिए। बजाज फाइनेंस एक्चुअली बजाज अलियांज से पॉलिसी कराता है, तो व्यक्ति ने जानकारी थी कि पॉलिसी आई नहीं। मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंपनी की पॉलिसी व्यक्ति को प्राप्त होने के बाद उसमें एक फ्री लुक पीरियड का ऑप्शन होता है जिसमें व्यक्ति फ्री लुक पीरियड टाइम के अंदर अपनी पॉलिसी को कैंसिल करा सकता है। तो इसीलिए इनके द्वारा टाइमली पॉलिसी भी डिलीवर्ड नहीं की जाती, व्यक्ति कैंसिल नहीं करा सकता। व्यक्ति बजाज फाइनेंस के उदयपुर स्थित कार्यालय भी गया जहाँ कर्मचारी ने यह कहा हमने मेल डाल दी है और आपकी जो पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जाहिर सी बात है, एक अधिवक्ता सूचना पत्र मेरे द्वारा दिनांक 30/6/2019 को प्रेषित किया गया कंपनी को, जिसमें कंपनी कार्यालय उदयपुर को, कंपनी कार्यालय जयपुर को, कंपनी हेड ब्रांच और बजाज अलियांज को भेजा गया। और जैसे उनको ये नोटिस प्राप्त होता है, क्योंकि हमने नोटिस इस आशय का भेजा था कि आपने मेरे व्यवहारी के साथ में दस्तावेजों का दुरुपयोग किया है और उनकी बिना स्वीकृति लिए पॉलिसी जाहिर करके आपने उनकी राशि डेबिट की है, जो भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत गंभीर अपराध है। इस पर उन्होंने डायरेक्टली 8 जुलाई 2019 को पेमेंट रिफंड कर दिया। बात तो पेमेंट रिफंड करने की नहीं है, मैं इस क्लाइंट के लिए बाकायदा आगे भी कंज्यूमर कोर्ट या स्थायी लोक अदालत के माध्यम से जाऊंगा और इस व्यक्ति को जो मानसिक प्रताड़ना हुई है उसके लिए भी प्रयास करूंगा कि उनको एक बेहतर लाभ दिला पाऊँ। मायना सिर्फ ये नहीं है कि बजाज फाइनेंस सिर्फ हेल्थ पॉलिसी के नाम पर, लाइफ पॉलिसी के नाम पर, कार्ड के नाम पर, और यहाँ तक कि इन्होंने जब व्यक्ति फ़ोन खरीदता है फ़ोन का इंश्योरेंस कराते हैं, और आज दिनांक तक मुश्किल से 5% लोगों को भी इनके द्वारा क्लेम नहीं दिया जाता है। इनके द्वारा क्लेम के नाम पर 10 प्रकार की इतनी जटिल प्रक्रिया रखी जाती है कि व्यक्ति को उनके मोबाइल फ़ोन पे जो क्लेम मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। तो हर व्यक्ति से मैं अपील करूँगा कि ऐसे परिवादी की तरह आप चुप ना बैठे, आगे आए, और जब भी आपके साथ कोई ऐसी मुसीबतें आती है आप उपभोक्ता अदालतों में, स्थायी लोक अदालत में बिना वकील की सहायता से भी आप अपना पक्ष रखकर लड़ सकते हो। ये कभी ना सोचे मेरा छोटा मोटा अमाउंट कटा है, लाखों हिंदुस्तानी इस फ्रॉड के शिकार है। तो मैं ये चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और अपने अधिकारों का प्रयोग करे जिस तरह इस परिवादी ने किया, और इस परिवादी के लिए हम आगे न्यायालय के माध्यम से भी इसको आगे लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। सर, देखा जाता है कई सारे लोग कोर्ट की प्रक्रिया के चलते आगे बढ़ते ही नहीं है ना, ऐसे मामले दर्ज कराते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? सर, एक्चुअली कई लोग कानूनी प्रक्रिया में इसलिए जाना चाहते हैं, वो जानते हैं कि साल दर साल हमको कोर्ट के चक्कर काटने। मैं हर व्यक्ति को बता देना चाहता हूँ कि उपभोक्ता कोर्ट हो गई या स्थायी लोक अदालत हो गया, इसमें यदि आप वकील के माध्यम से जाते हैं आपको कोर्ट में आने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने सीमित दस्तावेजों के आधार पर भी आप कोर्ट आ सकते हैं। ये ज़रूर है कि ज़्यादातर स्टाफ की कमी के चलते, डेट्स की कमी के चलते कुछ मामले पेंडिंग जरूर होते हैं, लेकिन व्यक्तियों को न्याय मिलता है। और अगर कुछ लोग इस मामले में उठेंगे तभी ये कंपनियां अपना इस तरह का जो ऑनलाइन फ्रॉड करती जा रही है उन पर लगाम लग सकेगी। सर, इसमें देखा जाए तो जो परिवादी था आपके, जिसने ये मामला दर्ज करवाया था आपके मार्फत, तो उसमें उसकी सिविल भी खराब होती है। सिविल के बारे में थोड़ी जानकारी दी, क्या होती है सिविल और उनको किस तरह की परेशानी आगे झेलनी पड़ेगी? बहुत ही वास्तव में बेहतरीन प्रश्न है आपका। सिविल एक ऐसा डाटा है जो व्यक्ति के बैंक और उसके आर्थिक रिकॉर्ड के आधार पर सिविल मेंटेन होता है। अगर आपकी कोई किस्त अनादृत होती है, उससे सबसे बड़ा व्यक्ति उस व्यक्ति को नुकसान है। एक तो उसके खाते से डेबिट चार्ज कट गए, डेबिट चार्ज कटने के साथ साथ उसके सिविल को नुकसान हुई है। मेरा कहना यह है कि सिविल एक तरफ से जिस तरह प्रकार एक व्यक्ति की मानहानि है, सिविल वही रूप है क्या। और एक व्यक्ति की सिविल अगर इस कंपनियों की वजह से खराब होती है तो बाकायदा ये मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ उस व्यक्ति की सिविल ख्याति मानहानि के रूप में भी काउंट की जा सकती है। तो इसके लिए व्यक्ति को चुप नहीं रहना चाहिए, लड़ना चाहिए।